जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम 12 ज्योतिर्लिंग में से 7वां ज्योतिर्लिंग यानी कि पुणे के भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की बात करेंगे। दोस्तों आज की वीडियो में जानेंगे कि हमको भीमाशंकर कैसे पहुंचे, कितने दिन का ट्रिप बनाना चाहिए, सबसे बेस्ट समय कौन सा रहेगा हमको भीमाशंकर जाने के लिए, और खाने पीने की क्या व्यवस्था है, वहाँ पर होटल की क्या व्यवस्था है, और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि हमको भीमाशंकर में और कहाँ कहाँ पर घूमना है। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले बात करते हैं दोस्तों हमको भीमाशंकर पहुंचने के लिए आने का साधन क्या हुआ। पहले अगर साधन की बात करूं दोस्तों वो है आपका बाय ट्रेन। भीमाशंकर जाने के लिए सबसे पहले आपको पुणे आना होगा, तो दोस्तों आप पुणे जंक्शन आ जाइए। आपके शहर से पुणे के लिए ट्रेन अवेलेबल होगी, क्योंकि पुणे के लिए सभी शहरों से सभी जगह से ट्रेन अवेलेबल होती है, तो आप सबसे पहले पुणे आ जाइए। दूसरे ऑप्शन अगर मैं बात करूं दोस्तों वो है आपका फ्लाइट। पुणे एयरपोर्ट है, आप अगर फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आप अपने शहर से पुणे एयरपोर्ट आ सकते हैं, और वहां से आप अपने भीमाशंकर की यात्रा के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन अगर मैं बात करूं वो है आपका बाय रोड। दोस्तों बाय रोड भी आप आ सकते हैं पुणे। चलिए दोस्तों अब हम पुणे पहुंच चुके हैं। पुणे पहुंचने के बाद हमको सबसे पहले पहुंचना पड़ेगा हमको बस स्टैंड। दोस्तों अगर आप प्रश्न गाड़ी से आए हैं तो आप प्रश्न गाड़ी से भीमाशंकर तक जा सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं आप ट्रेन से आए हैं या अगर आप फ्लाइट से आए हैं तो आपके पुणे से बस पकड़नी पड़ेगी, या फिर आप पुणे से टैक्सी बुक करके कार बुक करके भी आप जा सकते हैं। दोस्तों अगर मैं बस की बात करूं तो दोस्तों आपको पुणे से में सबसे पहले आना पड़ेगा शिवाजी नगर बस स्टैंड। दोस्तों पुणे से शिवाजी नगर बस स्टैंड की जो दूरी है वो 4 किलोमीटर की है, तो आप ऑटो से बस स्टेशन आ सकते हैं। ऑटो वाला आपसे 100 रुपये या 120 रुपये लेकर और आप शिवाजी नगर बस स्टेशन आइए। वहां से आपको हर आधे घंटे में भीमाशंकर के लिए बस अवेलेबल रहती है, वहां पर आपको बस उपलब्ध रहेगी। दोस्तों आपकी जो बस स्टैंड से भीमाशंकर की जो दूरी है वो आपकी 120 किलोमीटर की है। यह 120 किलोमीटर का सफर बस वाला आपको 4 घंटे में करवा देगा और आपको पहुंचा देगा भीमाशंकर तक। दोस्तों बात करते हैं यहाँ के टिकट की और किराए की। दोस्तों आपका एक व्यक्ति का 180 रुपये लग जाएगा एक तरफ का, और यहाँ आपको गवर्नमेंट की बस भी मिल जाएगी, और यह जो किराया है वो आपका गवर्नमेंट बस का है। अब वही दोस्तों मैं बात करूं प्राइवेट बस की, उसका थोड़ा कॉस्ट ज्यादा हो सकता है। तो मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, वहां पर महाराष्ट्र रोड ट्रांसपोर्ट की बस बहुत चलती है, हर आधे घंटे में आपको बस मिल जाएगी जो कि सीटिंग बस होती है। उसका किराया 180 रुपये एक पर्सन का पड़ जाता है। 4 घंटे की यात्रा ये आपको भीमाशंकर पहुंचा देगी। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हमको भीमाशंकर से सबसे उचित समय, सबसे अच्छा समय कौन सा रहेगा दर्शन करने के लिए। तो सावन का महीना छोड़कर और आपका महाशिवरात्रि छोड़कर और आपके दशहरा छोड़कर, इन तीन पर्व को छोड़कर आप किसी भी समय जा सकते हैं भीमाशंकर में। वहाँ किसी भी तरीके का आपको भीड़ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप सावन में जाते हैं या फिर अगर आप महाशिवरात्रि में जाते हैं या फिर अगर आप दशहरा के समय आते हैं तो वहां पर आपको थोड़ी सी ज्यादा भीड़ देखने को मिलेगी। दोस्तों दूसरी हम बात करते हैं हमको भीमाशंकर में कितने दिनों का स्टे बनाना चाहिए। दोस्तों वहां के जो पुणे के लोग रहते हैं यानी कि जो लोकल लोग रहते हैं, पुणे के मुंबई के लोग रहते हैं, वह एक दिन का ही अपना सफर बनाते हैं। यानी कि अगर वह मॉर्निंग में आते हैं या फिर दोपहर तक आते हैं तो दर्शन करके शाम को वो वापसी लेते हैं। लेकिन वही अगर आप दूर से आते हैं, आप अदर स्टेट से आए हुए हैं, तो आपको एक दिन का स्टे भीमाशंकर में बनाना चाहिए। दोस्तों ये प्रश्न आता है, हम बस से उतर चुके हैं, अब हमको रूम कहाँ मिलेगा। दोस्तों रूम भी यहाँ पर अगर आप पीक सीजन में आते हैं तो दोस्तों यानी कि अगर आप शिवरात्रि में आते हैं या फिर सावन में आते हैं या फिर दशहरा में आते हैं तो आपको होटल के कॉस्ट बहुत ही ज्यादा मिलेंगे, जो कि बस स्टैंड के पास ही बहुत सारे होटल वहाँ पे लगे हुए हैं। तो वहां पर अगर आप पीक सीजन में आते हैं तो होटल कॉस्ट वहां पर 1000 से 1500 एक दिन का होता है। लेकिन अगर आप नॉर्मल समय पर आते हैं, एक नॉर्मल सीजन में आते हैं, तो वहां का जो रूम का किराया होता है 500 रुपये से लेकर 700 रुपये तक का आ जाता है। दोस्तों यहां पर अगर आप बस से उतरते हैं तो थोड़ी दूर पर वहां पर बहुत सारे होटल है, आप उस होटल में भी कहीं भी जाकर स्टे कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों अगर आपको बस स्टैंड से आप निकलेंगे थोड़ी ही दूर पर, वहां पर आपको 325 सीढ़ी नीचे उतर कर जाना पड़ेगा। दोस्तों वहां पर जो मंदिर है हमारे शिव जी का, ज्योतिर्लिंग का, हमारे भोलेनाथ जी का, वह आपको 325 से सीढ़ी से नीचे उतर जाना पड़ेगा।
और उस मंदिर परिसर से थोड़ी दूर पर 300 मीटर के दायरे में ही है। वहां पर आपको 303-304 होटल और देखने को मिलेंगे। वहां पर भी आपका 500 से लेकर 1000 रुपए आ सकता है एक दिन का, लेकिन अगर आप पीक सीजन में आते हैं तो वही आपका 1000 से 2000 तक आ जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप ऑफ सीजन में आ रहे हैं तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप मंदिर परिसर के जो आसपास के होटल हैं तो आप वहां ही रुकिए, क्योंकि आप भोलेनाथ के दर्शन आराम से कर सकते हैं, आपको थोड़ी सी आसानी होगी। चलो दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने दर्शन की तरफ। दोस्तों, दर्शन लाइन में अगर आप ऑफ सीजन में आते हैं, कहने का मतलब दोस्तों, अगर आप नॉर्मल समय पर आते हैं तो आपका एक घंटे में दर्शन हो जाएगा। वही अगर आप पीक सीजन में आते हैं तो आपका पीक सीजन में दर्शन का जो समय लगेगा वो आपका 2.5 से 3 घंटे लाइन में आपको लगना पड़ सकता है। दोस्तों, यहाँ पर दर्शन के रिगार्डिंग में एक चीज और बताना चाहता हूँ। दोस्तों, अगर आप सुबह आरती के बाद दर्शन करते हैं तो यहाँ पर जो मैं आरती की बात कर रहा हूँ, दोस्तों यहाँ पर आपका 5:30 बजे आरती होती है। तो अगर आप आरती होने के बाद लाइन में लगते हैं, यानी कि 7 बजे से लेकर जब भी मंदिर खुला रहता है 10 बजे तक अगर आप लाइन में लगते हैं, तो वहां पर आपको भीमा शंकर की ज्योतिर्लिंग है, उस पर ज्योतिर्लिंग पर आपको आवरण ढक दिया जाता है। वहीं अगर आप आरती से पहले आते हैं, कहने का मतलब अगर आप 5 बजे सुबह लाइन में लग जाते हैं तो आपको आवरण फटा हुआ मिलेगा और आप ज्योतिर्लिंग के साक्षात दर्शन कर सकते हैं, मठा देख सकते हैं। वहां पर लोटे में पानी लेकर स्नान करने की आपको अनुमति होती है, तो वहां पर आप वो भी चीज कर सकते हैं, अभिषेक भी कर सकते हैं। और अगर आप 5 बजे से पहले लगते हैं तो मॉर्निंग में तो आपको आवरण फटा हुआ ही मिलेगा। अभिषेक करना चाहते हैं तो आप मॉर्निंग 5 बजे लाइन में सम्मिलित हुईये और भोलेनाथ के दर्शन कीजिए और अपने विशेष मांगिए और अपनी मनोकामना मांगिए। चलो दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, हमको खाने पीने की भीमा शंकर में क्या व्यवस्था है। दोस्तों, यहाँ पर एक चीज बताना चाहूंगा कि यहाँ पर होटल भी बहुत कम है। मंदिर के पास सीढ़ी से जब आप ऊपर चढ़ते हैं, जो मैंने 325 सीढ़ी मैंने आपको बताया है, वहाँ के आजू बाजू में आपको होटल देखने को मिल जाएंगे। वहाँ पर भोजनालय बहुत सारे बने हुए हैं, तो वहाँ पर आप भोजन कर सकते हैं। खाने पीने की अगर मैं रेट की बात करूँ तो दोस्तों, वहाँ पर आपको 80 रुपये, 100 रुपये, 120 रुपये, इस हिसाब से आप थाली सिस्टम लेते हैं तो वहाँ पर एक व्यक्ति का पड़ जाएगा। और वहाँ पर आपको कोई बड़ा होटल देखने को नहीं मिलेगा। खाने पीने के लिए, वहाँ पर रहने के लिए, और वहाँ पर जो भीमा शंकर का लोकेशन है तो पर्वत पर बना हुआ है, तो पर्वत की वजह से वहाँ पर जगहों का विस्तार नहीं हो पाया है और होटल और खाने पीने की उतनी व्यवस्था नहीं हो पाई है। चलिए दोस्तों, अब हम करते हैं हमको भीमा शंकर में और कहाँ कहाँ घूमना है। दोस्तों, भीमा शंकर मंदिर से ही एक जंगल की तरफ रास्ता निकलता है और वो जाता है गुप्त भीमा शंकर की ओर। दोस्तों, जो गुप्त भीमा शंकर है वह भीमा शंकर से 2.5 किलोमीटर के रास्ते में पड़ता है और वहां पर आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। जंगल के बीच से ही रास्ता बना हुआ है, जगह जगह पर आपको एरो के निशान मिलेंगे जहां पर आपको गुप्त भीमा शंकर लिखा होगा, तो आप उसको फॉलो करते हुए गुप्त भीमा शंकर जा सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं गुप्त भीमा शंकर में क्या है। तो दोस्तों, गुप्त भीमा शंकर में भीमा नदी का उद्गम स्थल है। वहां पर अगर आप जाते हैं तो आप उस उद्गम का नजारा देख सकते हैं, स्नान कर सकते हैं, तो वहां पर एक बार जरूर जाइए, बहुत अच्छा आपको वहां पे फील होगा। स्नान करिएगा गुप्त भीमा नदी में, जो कि 2.5 किलोमीटर मंदिर परिसर से आपको पड़ जाएगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। जब आप सीढ़ी चढ़कर ऊपर जाएंगे तो वहां पर आपको एक बॉम्बे पॉइंट पड़ेगा। दोस्तों, बॉम्बे पॉइंट में सनसेट के समय पर काफी अच्छा नजारा होता है, क्योंकि वहां के पर्वत से नीचे का नजारा काफी अच्छा लगता है देखने में। वहां पर रहकर आप फोटो शूट कर सकते हैं अगर आप फोटोग्राफी में इंटरेस्ट रखते हैं तो एक बार बॉम्बे पॉइंट में जरूर जाइए। चलिए दोस्तों, अब हम दूसरी जगह की बात करते हैं। भीमा शंकर से ही 2.5 किलोमीटर की दूरी पर आपको पड़ेगा एक अंजनी माता मंदिर। तो यहाँ पर बंदर थोड़ा ज्यादा होते हैं, अपने साथ कोई खेला झोला नहीं रखेगा और आप वहां जाकर आप अंजनी माता के दर्शन कर सकते हैं, यानी कि हनुमान जी की माता जी के दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये सारी जगह थी जो आप भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के साथ साथ इन 3 जगहों पर आप घूम सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक चीज बताना चाहूंगा, अगर आप पुणे जाते हैं तो वापसी में तो आपको भीमा शंकर से लास्ट बस जो मिलेगी वो शाम को 5 बजे मिलेगी, यानी कि यहाँ पर महाराष्ट्र की बसें आपको शाम को 5 बजे वहां से चलती है, तो पहले जाकर वहां पर लाइन लगा दीजिए। अदरवाइज अगर आप 5 बजे के बाद जाते हैं तो आपको कोई बस वहां पर देखने को नहीं मिलेगी, तो वहां पर आपको टैक्सी करनी पड़ेगी, जो कि उन लोगों का थोड़ा कॉस्ट ज्यादा होता है।
लास्ट बात करते हैं दोस्तों, हमारा वहाँ का कुल खर्चा कितना आ जाएगा भीमाशंकर जाने के लिए। दोस्तों इस खर्चे में मैंने आपके पुणे से लेकर भीमाशंकर के जो बस की किराया है वो, यानी कि जो आपके होटल के खर्चे हैं, आपके खाने पीने के खर्चे हैं और आपके वापस पुणे जाने का खर्चा जोड़कर टोटल बताता हूँ, तो वो आपका 1500 से लेकर 2000 तक आ जाएगा एक व्यक्ति का। दोस्तों यह कॉस्ट वह है आप ऑफ सीजन में बता रहा हूँ, वही अगर आप पीक सीजन में आते हैं तो वहाँ पर जो खर्चा है थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, जो कि 3000 या 4000 तक हो सकता है। तो दोस्तों ये था टोटल भीमाशंकर जाने का ट्रिप। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा इंडिया टू वर्ल्ड को, और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना कि आपको अगली वीडियो कौन सा चाहते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई यात्रा के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।